इधर काल रूपी दूसरा शरीर को पैदा करेगा ताकि विराट के आयु तय हो जाए, तभी तो मनवंतर वगैरह सारी व्यवस्था बन जाएगा और ये राजा बनेगा, अमुक हो गया, अमुक से अमुक तक ये होगा, सारी व्यवस्था बनेगी। और काल की होना तो व्यवस्था बनी नहीं सकती, इसलिए काल रूपी दूसरा शरीर, अब विराट भी शरीर पैदा किया उसी मृत्यु रूपा हिरण्यगर्भ ने, सूत्रात्मा ने, और अब वही क्या करता है, काल रूपा दूसरा शरीर को पैदा करता है। वो कैसे कर रहा है वो वर्णन किया जा रहा है। स्व काम है था उस मृत्यु ने कामना की, मेरा एक दूसरी शरीर भी बन जावे, द्वितीय में आत्मा जाए तो मेरा एक और दूसरा शरीर भी उत्पन्न हो जावे, जिससे मैं शरीरधारी हो जाऊं, जिसे कि वास्तविक शरीरधारी आयु वाला आयुष्मान हो जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, सम मनसा वाच मिथुन संवत, इसलिए सुक्षदार मृत्यु ने, उपलक्षित मृत्यु ने क्या किया, मन के द्वारा वेद त्रय रूपी जो वाणी है उसके साथ संबंध कर दिया, मन को वेदों में लगाया, तो वाचम से वेद त्रय, उसमें चिंतन किया कि ये जो वेद कह रहा है इसका वास्तविक व्यवहार कैसे बनेगा, उसकी चिंतन किया। जब देखा उसने कि भाई काल के बिना वेदों का व्यवहार ही नहीं हो सकता, तो कोई भी कर्म करना है तो मूर्छन, सूर्योदय सूर्यास्त पूर्णिमा वगैरह सब देखना पड़ेगा, काल के बिना तो चलेगा ही नहीं। इसलिए मन रूपा सांड ने वाणी रूपी गाय के साथ वेद रूपी गाय के जब संबंध किया तो काल रूपा बछड़ा पैदा हो गया। अशनाया मृत्यु हो सा मनसा वाचम मिथुनम संभव, उससे तद्यत रेतासी, कौन क्या ये अशनाया मृत्यु सा का क्या अशनाया मृत्यु हो, जो पहले क्षुदा नाम से कहा गया अशना वही मृत्यु कहा दिया था, वो माया और चिंचित वही जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है उसी ने ही पुनः मन रूपी अपना जो मन पैदा किया था मनस्वी से हम कहा भी था, तो वो मन को लिया और वेद जो उसके पास थी उसके साथ संबंध किया, तद्यद्रेतासित उससे जो वीर हुआ संवत्सर बाद वह संवत्सर बन गया, सह नहवा पुरा तथा संवत्सर, इससे पहले संवत्सर नहीं था, माने काल का सामान्य रूप था, काल के विशिष्ट गणना नहीं थी, अब संवत्सर रूप जो विशिष्ट स्वरूप है काल का वो पहला, क्योंकि काल वगैरह क्या है माया से भी नहीं है, तो माया है तो काल भी है, एरोबी का सब वही बात अनभिव्यक्त है, और अब क्या हो गया संवत्सराज विशिष्ट रूपेण अभिव्यक्त हो गया, इसलिए कहा जा रहा है पहले वो नहीं था, मतलब जैसे पहले चर्चा हुई आवर्तम आसित मृत्यु ना आवर्तम आसित, काल भी सामान्य रूपेण था, सामान्य रूप को भी आवर्त करके था, और व्यवहार्य नहीं था, वो जैसे घट मृतिका में है लेकिन घट व्यवहार्य नहीं है, यावत काल पर्यंत मृतिका में घट रहता है तावत काल पर्यंत व्यवहार ही नहीं होता। और कार्यकाल भाव के कार्य के अस्तित्व के बारे में कई बार दृष्टांत दिए हैं, भले इतनी शास्त्र सीधी सीधी दृष्टांत समझ में आ जाती है, हमने मूर्तिकार का दृष्टांत दिया है ना, भाई पत्थर में असली कलाकार को कौन होता है, जो पहले उस मूर्ति को पत्थर में देख लेता है और समझता है कि हाँ इस पत्थर में ये मूर्ति है, निश्चय उसको दिखाई देगा, उसे अगर बैठे हैं महाराज तब वो तोड़ना चालू करते आगे काम, उसे कार्य दिखाने पहले से, जबकि उसने हम लोगों को क्या दिख रहा है पत्थर, हम लोग छोटे मार्ग के फोटो जब लेकर गए मूर्ति बनवाने जयपुर में देखा, वो पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है, सोचता है ये देखता वो देखता ये देखते रहता बार बार इधर उधर फिर देखते रहा, लगता है नहीं, फिर आगे गया दूसरे पत्थर के सामने खड़ा हो गया, तीसरे के सामने खड़ा हो गया, जितने फर्स्ट क्लास क्वालिटी के पत्थर किसी में भी महाराज जी नहीं, मैंने कहा धन्य है भाई तेरी खोपड़ी क्या है, ऐसे कैसे होगा महाराज जी तो ब्रह्म में सर्वव्यापक है और इसमें तुम्हारे पत्थर में ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म महाराज जी है ही नहीं, कमाल हो तुम, तो हंसता था महाराज आपको समझ में नहीं आता, हमारे द्वारा बनेगा नहीं, आप कहो तो बना दूंगा इसमें, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें हम तोड़ फोड़ करके बना देंगे ना वो मूर्ति, हमें नहीं जचेगी, तुम्हें क्या जचेगी, अच्छा
चलो भाई मत बना, फिर काय को बेकार बनाओगे। हम लोग डर लग गया ना, जो कहते बेकार बनेगी फिर तो पैसा क्यों खर्च करना, इन्होंने तुमको जिसमें सही लगे उसी में बनाओ, भले छोटे मारे हमारे जैसे सब पत्थर में इन तुमको नहीं है ना तो मत बना। फिर वो करते करते चला, फिर एक पत्थर मेरे सामने रहा महाराज, इसमें दिख रहे हैं कभी इसमें है महाराज जी बैठे हुए, बिल्कुल ऐसा ही है देखो ऐसा ऐसा ऐसा। उसने कट से लिया वो चौपिस, देखो महाराज दिख रहे हैं ना अभी, अरे आप भी नहीं दिख रहे भाई चौपिस लगा दिए तुम्हें तो वहां दिखेंगे, तो बन गए महाराज जी से बन गए, आप चिंता मत जाओ बोला। कार मूर्ति तो बनी है ही नहीं, अब उसके लिए मूर्ति में तो हो गई महाराज जी है, कल ऐसी कब से क्या पता, जब से पत्थर तब से है उसे महाराज जी, उसके लिए उस मूर्तिकार के लिए उस पत्थर में महाराज जी अनाधिकार से छोटे महाराज का प्राग अब उसने बना दी। 3 महीने के बाद जाओ देखो तो बढ़िया। इसी तरह से मिट्टी व्यवहार ही वाले नहीं है तो घट में मिट्टी, घट जो मिट्टी में विद्यमान है उसके बिना उसे घट बन ही नहीं सकता। जिस पत्थर में उसने मूर्ति को नहीं देखा उस पत्थर से मूर्ति बना ही नहीं सकता। जितना कुछ यही यहां पर सबसे बढ़िया दृष्टांत हमें जचता है कि उसी यार कार्य कारण में विद्यमान है, भले हम क्या कहते लेकिन अग्र नासित क्यों बोला, यथा व्यवहार्य आसित उत्तर काले तथा नासित, जिस प्रकार से व्यवहार्य था उस प्रकार से वो नहीं रहता है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काल व संवत्स रूपेण व्यवहार था ना, व्यवहार हो रहा है अभी संवत्स रूपेण वो नहीं था, न पुरात तो संवत्सरास थम एताम तम कालम अभी बहा। और उस प्रजापति को मृत्यु प्रजापति उसने क्या किया, गर्भस्थ प्रजापति को संवत्सर काल निर्माता, संवत्सर रूपी काल का निर्माता जो प्रजापति है गर्भस्थ प्रजापति को मृत्यु दोनों ही प्रजापति है, काल भी प्रजापति है और जो धारण किए हुए विराट पुरुष वो भी प्रजापति है, काल रूपा प्रजापति को और विराट रूपा प्रजापति का गर्भ में स्थापित किया कौन, सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ, कैसे वाणी और मन वेद और मन का संबंध से, वेद का है इसी विराट में, मन का है विराट में, इसे वाक और मन का संबंध से काल रूपी गर्भ धारण हो गया, अभी बा मैंने धारण किया भ्री आकर भ्री धारण पोषण हो गर्भ में धारण किए रहा कितने समय तक, साल भर तक एतावंतम ने वही संवत्सर काल पर्यंत जो काल को पैदा करना था उतनी काल तक उसने उसको धारण किया। जितने समय के बाद यावान संवत्सर हम एतावत काल से प्रस्ताद असृजत, जितना संवत्सर का समय होता है उतनी काल तक उसने उसको धारण किया और उतने काल के पश्चात उसने काल रूपा प्रजापति को सृष्टि कर दिया। अब काल रूपी अग्नि इसको कालाग्नि कहते हैं, काल रूप अग्नि पैदा हो गया। तम जातम अभिव्यादत, अभिव्यादत 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 ठीक आददा अभी सर्वरक आददा सभाण करो, उस उत्पन्न में प्रथम शरीर जो कुमार है काल रूप अग्नि है उसने उसके प्रति भक्षण के लिए मुख फाड़ दिया, अभी व्याज दात ने मुख खोला, वो खाना चाहता है भूख लगा हुआ है, वो खाना चाहता है लेकिन खाना नहीं मिला, वो रोने लगा अभा भाण करो, उसने स्वाभाविक विद्या युक्त होने के कारण से उसे डर के मारे भाण ऐसा आवाज किया, वही वाक मने शब्द हुआ सैव वाक भवत, वही वाणी रूपी अग्नि हो गया। उसने कामना की जिसको पहला शब्द पहला हमने मृत्यु शब्द कहा था तो कौन था हिरण्यगर्भ, क्या कामना किया सुवारिक्रम आत्मा आत्मा मंदक्षम तत्कार अंत विराज मग्नि सृजत, उसने क्या किया
हुआ एक विराट शरीर रूप अग्नि को सृष्टि किया और परम कुरता और एक विराट अग्नि को पुनः विशिष्ट रूप तीन वचन के अंदर तीन रूप में विभक्त कर दिया, आदित्य वायु और वो कैसे व्यापार वाला होकर के सब कुछ किया ये हमें जानना है। यहाँ पर इस मंत्र के अवतरण कारण कई विकल्प बताया गया, क्या कह दिया किस प्रकार के व्यापार वाला होकर के उसने सृष्टि किया, उसने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। लेकिन दूसरे अवतरण का देते हैं वाक्य का अपने हिसाब से बता रहे हैं। अभी तक तेजो रस निवर्त था, यहाँ तक जो अपने पढ़ा तेजो रसा उत्पन्न हो गया, विराट अग्नि उत्पन्न हुआ, ये जो कहा गया था वहां तक अक्का का उत्पत्ति था और इससे आगे अंत उत्पत्ति अक्का नीचे चित्र में देखिए तेज और रस और निवर्त का अग्नि ही अपूर्व सर्गम अग्नि संरक्षण था, अग्नि संरक्षक होने वाले अग्नि शब्द के द्वारा विराट आदि में जो कथन हुआ वो अतृत्व का दृष्टि अत्ता का दृष्टि संप्रति अन्न गर्ग उच्चत और इस समय क्या करने जा रहे हैं अन्न की दृष्टि से अपने करने जा रहे हैं। ये सारी ऐसी संगति ये संगति ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा श्रेष्ठ समझ में आता है। किमर्थम अन्य सर्गवचनम अत्री विराट सृष्टि स्पष्टीकृत अन्नम विराट पूछ क्यों विराट सृष्टि में स्पष्टीकरण करने जा रहे थे अन्नम विराट पूछ अन्न ही विराट करियो अन्नम करिष्य ये भी लिखा है जो अक्षित है तथो के रंग संबंधित भाव लेकिन दूसरे की अवसर निकाल दे रहे संबंधांतर मात्र भोग्य कितने काल भोग्य होता आपने जो है शरीर का भोग्य का निश्चित हो चुका अकेले काल का विभोग करोगे इसे काल में कैसा होगा इसलिए और आदित्य की पृथ्वी का देख रहे कि आदित्य क्यों निकाली जा रहा होता इधर पूरा विभाजन का मूल आया क्या है आदित्य पृथ्वी का बदल करना वहां का फल था क्या तुम्हारा कल क्या आदित्य भी आपको लेकर गया हर आदि घर आरंभ होता है काल का नीचे होता है मैंने आदित्य मृत्यु क्या प्रागे प्रदान पहला सत्य उत्तम का कथम कर लिया उत्तम उत्तराचन प्राग्निक कारण थी वायु प्रति वायु अग्नि और वायु अकांक्ष लेना अग्नि और वायु दोनों को तो उत्पत्ति कर लिया क्योंकि आयु मृत्यु आयुक्त उत्ता आयुक्त मृत्यु से आयु की उत्पत्ति कर दिए तुम्हारे तो से समझ रहते हो जब मुख्य वही आदित्य समग्र आत्मा है समग्र में उत्पन्न होता है यह बात बताने के लिए अग्नि शुद्धि आरंभ हो रही है। ये यहाँ पर है टीकाकार ने भौतिकरण कार ने दो श्लोक वाक्य के आधार पर समझाया उचित है सहमृत्यु रखा में रखा मितवान उसके जवाब में कहा तुम यहाँ पर अगर खेल तो कैसे यहाँ पर वाला सृष्टि की अन्य सृष्टि तब जाते कि देखो सहमृत्यु ने कामना की क्या कामना की किन द्वितीयों में मम आत्मा शरीरम ये राम शरीर इसमें अरे द्वितीयों में ये मेरे मम मेरा एक दूसरा भी शरीर है आत्मा है शरीर मेरे दूसरा भी आत्मा हो मैंने एक आत्मा है मेरा दूसरी एक और आत्मा है मेरा ऐसा आप नहीं करूंगा इसे क्या तात्पर्य मेरा ये शरीर तो है कौन विराट शरीर इस विराट शरीर के अलावा
मेरा दूसरा शरीर दिया है तो नहीं, ये आपकी इच्छा मनसा उसी ने फिर क्या किया, मन के द्वारा वाचन मिथुन संवाद, मन के साथ वाचक के साथ जोड़ा ना उसने, तो शरीर श्या मेरा शरीर श्या जिसके घर में शरीर हो जाऊंगा, स जाए उत्पत्ति उत्पन्न होगी इतम एक दशा मैं इस प्रकार के उसने वह सर्वांतर कारणी समर्थन होगी सर्वांतर कल्पना उत्पन्न करने की इच्छा करेगी। इस प्रकार की कल्पना करने के पश्चात मन का वाचन विलक्षणा मन का मन के तरफ ने क्या किया पूर्वोत्तन ने मन का मन का पैदा हुआ पहले मन को पैदा है ना पूरे मनुष्य कहा था पूर्वोक्त मन के द्वारा उत्पन्न मन के साथ वाचन विलक्षण मिथुन वाचन का मतलब जो सृष्टि का क्रम है कई वाचन कई कौन सी बनेगा सृष्टि का क्रम संबंधी जो वाणी है उसको लेकर उसने क्या किया तो कई लक्षण विक्रम दंड भाव दंड भाव का दंड भाव क्या है आलोच आलोचकता आलोच कौन है वेदक सृष्टि क्रम और आलोच कौन है स्वयं मन वेश मन वेश आलोच्य हो गया और इसमें आलोच्य कौन है वेद ने सृष्टि क्रम का सुन लिया उनका उन्हें चिंतन किया मंद भाव सवाल संभावन करवान मन का प्रेम आलोचितवान पहले बार मन के द्वारा वीरों का चिंतन किया कई वीरम सृष्टि क्रम मन का अनुवाद थी कई वीर कई मैंने वेद में जो वेद कौन सा सृष्टि का क्रम पूरा रूप का चिंतन विचार ला रहा इधर वेद में कभी जो सृष्टि का क्रम है उसी को मन के द्वारा उसने समय प्रकार से चिंतन किया प्रतिपा यही तो होती है सृष्टि का इधर जो है प्रतिपा जब मत समझना कौन ऐसा किया अशनाया लक्षित मृत्यु जो तुमने जिसका अशना शरीर अगर लक्षित मृत्यु था उसी ने सब किया मैंने तुमने विराट किया मैंने पूरा हमें कहे विराट अभी उत्पन्न है और विराट ने सब किया या अंत जो कहा था आयुतम द्रव्यम वायुम द्रव्यम फिर प्राणम द्रव्यम उसमें मैंने आप कही गर्वन ना करें आदित्य वायु अग्नि ये लिया आदित्य वायु बीच में इस प्रति में अग्नि रूप में लिया तो अग्नि रूप ही कभी तो अग्नि आता यार शरीर का प्राण ले लो आपका वही है सिंह पचाने वाला ऐसा तो लोग अग्नि ले लो जो कि तुम्हें पचाता है सिंह के अंदर या तो बारी के सारे चीज पकड़ के आपको देने वाला बारी अग्नि जिन्हें मैं बिल्कुल लक्षित में आता हूँ लेकिन अश्वमेधी ने अग्नि ये अग्नि अश्वमेध का ही कहूंगी उपासना करकर कहा जा रहा है अश्वमेधी अग्नि इसमें मुख्य रूप में नहीं लगाई उपासना और वही अग्नि वैसा बन कर भी कलर पहचा रहा है और वही अग्नि फिर अंत प्राण रूप में पूछे करके आस्था बना तो इसने कहा था कि भाई वो जो था हिम गर्भ को ही यहाँ लेना मृत्यु वही सब कर रहा है विराट बीच में अन्य जो उत्पन्न हुए हैं अभी अगर वे पूर्ण कथित है उनको ग्रहण न करें इधर जान कर मंत्र मंत्र लाया अश्राया मृत्यु अश्राया मृत्यु अमेर परामर्श भी अन्य प्रथम मालूम ही अगर उसी में परामर्श करें जो शुरू हुआ था अन्यत्र अन्यत्र का मतलब क्या यहाँ पर स्पष्ट करते हैं अन्यत्र प्रसंग लाभ है अन्यत्र अंदर बदल दे विराटात्म किया है चिंतन करने लगा क्या चिंतन करेगा ऐसा उपाय नहीं लेना स्पष्ट करने के लिए श्रुति ने कृपा करके दोबारा बीच में दिया असराया ऐसे श्रुति ने कही है चिंतन से रेत पैदा हुआ रेता आसी मैंने विशिष्ट शक्ति विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हुआ मिथुन ये रेता आसी प्रथम शरीर न प्रजापति कालम रेतो बीजम वह जो मिथुन में यह रेता
जो सालक था सदम शरीर होता है, जो प्रजापति विभिन्न गर्भ से जो अंतर भाव में जो सालक पैदा हुआ वो क्या है, वह कारण है, वह रेत है, वह बीज है, ज्ञान कर्म रूपम, वह कुछ नहीं होता बढ़ गया है उपास और कर्म। तो सकल जीवों का उपास और कर्म का ढेर है वही यहाँ पर रेत के समान रूप सामर्थ्य है। आलोचन जो दुष्ट है जो दिखाई दिया था क्या जन्मांतर कुंजी दिखाई दिया जन्मांतर ज्ञान कर्म रूप ये दुष्टवान आसी जन्मांतर कर्म उपासना है वो उसको समझ कर जाकर अनुभव में आ गया। पूर्व कल्प वो भी कैसा जन्मांतर कुंज पूर्व कल्प में यजमान हो अवस्थान है उसके द्वारा जित अनंत कल्प और जो खराब प्रश्न जो अभी आने वाले उसके द्वारा होने वाला जो कल्प में फलभूत प्रदान करने वाला है उसी ब्रह्मा पहले वो पूर्व कर्म में यजमान होकर तो कर्म उपासना किया था तब अनुसार इस कर्म में जा रहा है उसी कर्म उपासना का फलभूत कल्प उत्पन्न होने जा रहा है इसके प्रति जो बीच है आयुर्भूतम ज्ञानादि प्रेम ज्ञानादि प्रेम ज्ञानादि तीन या ज्ञान उपासना ज्ञान संसदेना उपासना कर्म संसदेना कर्म जो क्रिया होती है उपास समुचित जो कर्म होते हैं उसी को ले लेना और रूपम जैसे उन दोनों की भावना ज्ञान कर्म रूपम तीन मान लो ज्ञान कर और उसकी जो भावना की है उसमें उस चीज को लेना उन तीनों को लेकर उसने क्या किया भाव भाव गया इसलिए कहते हैं आविर्भूत ज्ञानादि त्रय सैकृत होकर के उसने क्या किया अपसृष्टवा तेन रेत सा अपसृष्टवा मैंने पंचीकृत भूतों को क्या कहते क्या है पंचीकृत भूतों अपंचीकृत भूतों का उत्पन्न था ना ये तो वो पंचीकृत भूतों को उत्पन्न करती तेन रेत सा बीजी ने पारस बीज के द्वारा क्या किया उसने अक्षम दृश्य कुछ जो है पंचभूत दृष्ट करके अंधरूपेण गर्भीभूत सन अंध सवा गर्भीभूत हो गया सब संरक्षण हो गए थे वही क्या गया काल का संरक्षण हो गया समग्र काल निर्माता समग्र प्रजापति गर्भवत समग्र काल का निर्माता वायद प्रजापति समक्ष हो गया निर्माता
अंतर गर्भों प्रजापति यावान ने प्रसिद्ध रखा लो, उसने क्या किया, वो जो कारण रूपा प्रजापति, कारण रूपा प्रजापति धारण किया हुआ, कारण रूपा हिरण्यगर्भ है, उसने मृत्यु है, उसने क्या किया, कारण रूपा उस आदित्य को अपने अंदर धारण किया। कितने समय तक उस समस्त काल का निर्माता ने क्या किया, अपने भीतर अंतर गर्भ मैंने अपने मन में चिंतन रूपा मन में जो है धारण किया हुआ है, किसको प्रजापति, समस्त रूपा प्रजापति, प्रजापति या विराट का प्रजापति ने बच्ची ग्रहण करता हुआ या आदित्य का प्रजापति को अपने अंदर धारण किया है। यावान्य प्रसिद्ध जितने समय धारण किया जाता है, जैसे सूर्य प्रसिद्ध है काल एकता संवत्सर परिमाणम उतनी ही का, अर्थात ये जो संवत्सर परिमाण रूप काल है उतने समय तक अभिवाप्तवान कौन स्वयं गरीब हो रहा है, मृत्यु ने धारण किया किसको, मृत्यु ही तकलीफ में चिंतन करने के द्वारा धारण किया, और कोई गर्भ नहीं, औरतों ने जैसे और जो गर्भ हो गया और वो तो बाहर निकलेगा ऐसी कोई बात नहीं, उसका का धारण मैं नहीं समझता। यावान समझ रही है प्रसिद्धा तथा परस्ता परस्ता किम कृतम, जो संवत्सर है या प्रसिद्ध, उसके बाद उसने क्या किया, तब एकाएक काल से संवत्सर मात्र से प्रस्ताव ऊर्जा असृजित, उस काल को त्रय काल पर संवत्सर एक संवत्सर काल पर धारण करने के बाद उस समय पूरे प्रजापति को उसने जन्म दिया, वह पाए उसको प्रकाशित कर दिया, भेदन कर दिया, अगर ब्रह्मांड में तो सूर्य को प्रकाशित कर दिया, आदित्य रूप में संवत्सर को प्रकाशित कर दिया, तमेव कुमार जातम, यही वह जो कुमार जो पैदा हुआ था, जब देखा अरे तो मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं तो सूर्य छोटा था, क्या हो गया, इधर छोटा सा बोला, वो घबरा गया, वो रोने लगा, जैसे लोगों में होता है बच्चा क्या होता है, होता है ये जन्म लेता है तो देखा छोटा सा रहता है और देखता है चार बड़े बड़े लोग वो भी आता है, जन्म लेने वाले बच्चे बहुत डरता होगा, दिमाग खोलता है निर्माण कर ही रहा है, इसलिए भूख लगी है खाने के लिए, और दूसरे जीव का हरण करने के लिए सब तैयारी कर रहा है,
लग गया हो, लेकिन वो विचार करते नहीं, नहीं। इनके पुत्र को मैं कहा जाऊंगा तो बचेगा क्या है? अरे तो इसको दस होने दो तो दस का दिन होते जाएंगे तो खत्म धोरी खाते भी जाऊंगा फिर पहले मैं ही खा जाऊंगा कैसे करेंगे तो क्या फिर भूखा रहना पड़ेगा। जो धान से उठता है सबको खा देंगे क्या? कुछ तो बीज के लगते नहीं रखते हम लोग, इतना तो बीच के नाम रखकर दे रहे हैं, इतना हम खाएंगे तो कर रहे हो कि आगे बढ़ेगा तो उसको भी खाएंगे और आगे कहा बढ़ाएंगे बीच दिक्कत होगी ना। इधर इतना ही जो तो ये दिक्कत है, पुत्र पैदा हो रहा है समस्त का पुत्र, इसको भी मैं खा जाऊंगा फिर आगे क्या होगा मेरी जान कहा बनेगी, इसलिए कुछ विचार करके उसको भी खाता है। पशून सद्रियत यही प्रजापति का स्वरूप है, वही विजन रूप धारण करता करता और आदित्य समस्त स्वरूप को धारण किया है, वहां पे वो अत्ता है अन्य वह रूप को प्राप्त होता है। उचित नहीं है।
के लिए थोड़ा ही निर्माण, एक दिन खा जाए तो क्या हो गया, जब मुर्गी मिली और हमारे खा लिया तो क्या फायदा होगा, कल के फिर परेशान। अरे मुर्गी रुको, मुर्गी दो चार अंडे देने दो, और उन अंडों में से बढ़वा मुर्गी भी तो हो जाएगी, वो भी दो चार में से कल खा लेते छोड़ो हमारे अंडों में। ऐसे करके जब लगाया जाएगा तभी तो अंत जो है वृद्धि होगी, लेकिन तो पहले कोई खा गया अगर आगे क्या रह गया। इधर के मन में आया हल्लम कन्नो करीशे, मैं ये ऐसा कर डाले मैं अपने मार डाके खा जाऊंगा तो मैं तो अंत थोड़ा ही किया। इधर से क्या क्या पड़ा सब तैयार वाचा, उसी वेद में वाणी पर गया, वापस वेद के चिंतन किया, फिर कितने का चिंतन किया, तेरा फिर उसका रात बना है एकदम सरम अपनी नंदी का। फिर जो कुछ भी है संसार में इन सारी चीजों की दृष्टि वाणी और मन इन्होंने के द्वंद के द्वारा एक सामर्थ्य पैदा हुआ, वह सामर्थ्य उसने समस्त सृष्टि को सब सृष्टि की जो कुछ भी है ये सब सृष्टि करता क्या ऋचो ऋचुषी सामा ऋक ऋजु साम छंदांसी छंद यज्ञ प्रजा तथा पशु है ये सभी को उसने बनाया। सभी को जिन जिन को सह रचना की उन सभी को पाल करके क्या करना आता हो तत्व तुम बदलेगा उनको खाने का उसने विचार किया और सर्वमति और वह सबको खाता है। यही उस अदिति का अधिकित्व तदेव अदित्य अधिकतम, यही उस अदिति का अधिकित्व है। अदिति किसको कहते हैं, अवखंडने लाभ से जो अवखंडने लाभ से दिखी बना अर्थात खंडन अवखंडन हमने भेदम अवयवी करम न भेदेगी अरे अरे अद्वैत करम अर्थात जो श्वास भिन्न रूपे ने उसने किया था उसको श्वास अभिन्न रूपे ने करने लगा। यही अदिति का अस्तित्व है, वह जो जो जिस स्व भिन्न रूप में प्रतिभाषित हो रहा है उसको खा करके स्व से अभिन्न कर लेता है। अर्थात यह तात्पर्य क्या है, विश्व से भिन्न वास्तव में कुछ भी सब कुछ जो कुछ प्रतीत होता है वह स्व से अभिन्न ही है। यही अदिति का अदित्व समझ है, जो ऐसा सर्वस्व तो सत्ता भवती सर्वम अस्य अन्नम भवती ये मेरे दरिद्र समझेगा। जो कोई व्यक्ति इस अदिति का वो अदितित्व को इस प्रकार के अच्छी तरह समझ लेता है जान लेता है चिंतन कर लेता है वह सभी का पर हो जाएगा और सर्वम अस्य अन्नम भवती सब उसका अन्न बन जाता है। ऐसे ऐसे भी साधना है जिसको वो मुहूर्त निकालना मुहूर्त मिलना और कठिन है तो वो इसी समय कर लिया जाए, लेकिन एक रात तो समय बिता दिया जाए उस प्रकार से उसी मुहूर्त वगैरह देख करके निश्चित रूप से उसको फिर करना तो पड़ेगा। जैसे ग्रहण होगा आपकी इच्छा के मुताबिक तो नहीं होगा ना ग्रहण, जब होगा तब आपको जगना पड़ेगा पहले करना, जितने समय तक होगा उतने समय तक जब तक करनी पड़ेगी। नहीं उसी प्रकार यहाँ भी है शास्त्र जितनी उपासना है जितनी भी चीजें हैं वो जिस विधि के अनुसार बताए जिस समय में करने के लिए उसी समय करना है, उसमें जो आरत कर रहे हो जो चाहते हो सकता है उनका आगे पीछे घूमते रहे तो भी हो जाए। संसार में ऐसे कोई साधना वो नहीं है, कहीं करने वाला नहीं है, जानने के सब जानना चाहते करना कोई नहीं था। ये कहता होगा महाराज से बहुत समय लगेगा कौन चलेगा रात भर कौन मत करेगा सब करूंगा, इसलिए पूछता वो इसलिए पूछते हैं प्रवचन दूसरा प्रश्न खुद करेंगे ही नहीं क्या करना चाहिए।
ब्रह्म कुमार भाई मन से अशरण भी भूख क्या चला रहा है, फिर भी सर्वज्ञ ना करने वो सर्वज्ञ कह रहे मगर असर्वज्ञ कह रही भूख आने वाला होने पर भी उसने सोचा ये कदाचित मान भी लिया जाए मैं इसे मान लिखा रहा हूँ ब्रह्म कुमार अभिमन से अभिमन से मंदिर हिंसा है शिष्य हिंसा कर दूंगा उसे मार डालूंगा खा जाऊंगा रुद्र से पशु अभिमन होता है ऐसा कर दिया इसका बोल रहे हैं रुद्र क्या पशु अभिमन होता पहले ऊंची ऊंची चेता यह प्रभु हुआ है अभी सरमन धातु का किसी के अगर परिभाष में यहाँ पर भी लिया चिंतन करके निश्चय करके भक्षण से वो उपराम को प्राप्त कर रहा गया भक्षण से उपराम को प्राप्त किया बहु ही अन्नम कर्तव्य दीर्घकाल भक्षण आएगा कन्या अरे बहुत अनुमाना पड़ेगा दीर्घकाल कब रहे ना खाने की बिना दीर्घकाल भक्षण आय न कनिया दीर्घकाल तक भक्षण करने के लिए बहुत तन करना चाहिए थोड़ा सा काम चलेगा नहीं ऐसा उसने निश्चय किया। तत् भक्षणी कनियो अन्नम स्यात् यदि मैं इस कुमार रूपेण प्रकट को मैं ग्रहण कर लूंगा अन्न भक्षण कर लूंगा तो मैंने थोड़ा ही अन्न पाया। बीज भक्षण इव सस्या भाव जैसे बीज का ही भक्षण कर गए और सस्य कहाँ से होंगे नहीं रह जाता बहुवन नहीं हो सकेगा। स्वयं प्रयोजनम अन्न बाहुल्यम आलोच्य इस प्रकार से वह विराट रूपा प्रजापति ने अन्न बाहुल्यता के बारे में चिंतन करके तयो वाचा उसी वेद रूपी वाणी त्रैया वाचा त्रैयावाचा ऐसा त्रैया शब्द होनी चाहिए या नहीं है ना कुछ उस ग्रंथ में होगा तयैव त्रैया वाचा तया एव त्रैया वाचा भी जोड़ो उसमें त्रैया तयाव तो ही है उसे अलग जोड़ो बोल रहा हूं तैया वाचा पूर्वोक्तया उसको स्पष्ट कर दिया कैसे वो पूर्व पहले जैसे किया था ना मन और वेद को मानस रूपेण वेद को जो है उसने संकल्प किया स्मरण किया उससे मिथुन भाव को प्राप्त किया तभी तो कुमार पैदा हुआ था। पूर्वोक्तया तेनैव च आत्मना मनसा उसी के साथ और तेनैव च आत्मना मनसा उसी के साथ और मन के द्वारा क्या किया मिथुनी भाव आलोचना उपगम्य मिथुनी भाव रूपी विचार मन और वेद का संगमन रूप विचार के द्वारा उसने क्या किया इदम सर्व में सारा का सारा क्या स्थावरंच जंगमंच सृजत स्थावर जंगम संपूर्ण की सृष्टि की
गिरिदम किंचा यत किंचित मिति, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है ये सारे का सारा स्थावर जंगम जगत उसको उसने निर्माण किया, इस तरह बहुवन निर्माण हो गया। इसलिए बहुत अन्य निर्माण हो गया, सारा स्थावर जंगम क्या है अभी आपने सुना, सब कुछ अन्न ही है, सब कुछ अन्नादि है, सारे अन्न और अन्नाद पैदा हो गए। क्या क्या है वो किंतर जूसी सामाई छंदांसी सप्त गायत्यादिनी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ऋग्वेद हो गया नियत अक्षर पादबद्ध मंत्र समूह, यजुर्वेद हो गया अविवक्षित छंद किंतु नियत पाद है, अनियत पाद अविवक्षित छंद और अनियत पाद अक्षर बद्ध है, और साम हो गया नियत पाद है ही है और साथ साथ गीत भी प्रगीत भी है। स्तोभिषिक्ता मंत्र स्तोभा